नमस्कार दोस्तों, आज हम लाभ और हानि प्रॉफिट एंड लॉस का पांचवी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार ने एक मेज 500 रुपये में बेच दिया। यदि क्रय मूल्य और लाभ का अनुपात 7:3 है तो उसे बेचने पर कितने परसेंट का लाभ हुआ? प्रतिशत लाभ का फार्मूला होता है लाभ गुणे 100 / क्रय मूल्य। तो देखिए, क्रय मूल्य और लाभ का अनुपात 7:3 है, यानी कि क्रय मूल्य 7 है और लाभ 3 है, तो लाभ की जगह 3 रख देंगे। 3 × 100 / क्रय मूल्य है 7। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और लाभ में 10:3 का अनुपात है, यानी कि विक्रय मूल्य 10 है, लाभ 3 है, उसे बेचने पर कितने परसेंट का लाभ हुआ, यानी प्रतिशत लाभ पूछ रहा है। प्रतिशत लाभ का फार्मूला होता है लाभ गुणे 100 / क्रय मूल्य। तो लाभ है आपका 3 × 100/7। 7 ये जो क्रय मूल्य आया है, क्रय मूल्य कैसे पता चलेगा? जब विक्रय मूल्य में से लाभ घटा देंगे। 10 में 3 घटाया, 7 आया, वो आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है दोस्तों, और बहुत ही ख़तरनाक है। देखिए, एक व्यक्ति कोई वस्तु 15% लाभ पर बेचता है। आप देखिए, अभी यहाँ खरीद मूल्य पता नहीं है हमें, क्रय मूल्य पता होना चाहिए, तब तो उस पर 15% का लाभ लगा के बेच पाएंगे। यदि वह इसे 10% कम में खरीदता और 4 रुपये कम में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। तो क्रय मूल्य पता करिए। तो हमने मान लिया कि 100 रुपये है क्रय मूल्य, तो उस 100 रुपये पर आप देख रहे हैं, ये डायग्राम बना हुआ है, 100 पे देखिए 15% का लाभ कमाया, तो ये हो गया 115 रुपये। यदि वह है इसे 10% कम में ख़रीदता, तो ये देखिए डायग्राम में देखिए 10% कम में ख़रीदता, तो यानी CP, तो ये हो जाएगा 90। 10% कम में ख़रीदा तो कितना हो जाएगा? 90। 100 से 10% कम में ख़रीदा तो 90 हो गया CP। अब 4 रुपये कम में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। अब देखिए, 25% का इस पर लाभ कमाना है, इसी खरीद मूल्य पर। इसे 10% कम में ख़रीदता तथा उसे 25% का लाभ होता, और ये कब होता? जब उसे 4 रुपये कम में बेचता। तो 25% का लाभ कमाएंगे 90 रुपये पर, तो ये हो जाएगा 90 का 25% आप निकाल लीजिए, उसमें ऐड कर दीजिएगा। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं, 90 का 50% कितना होता है? 45। 50 का आधा करेंगे तभी तो आएगा 25, तो 45 का आधा कितना हुआ? 22.5, यानी कि 22.5% और इसमें जोड़ देना है आपको, 22.5। तो 90 में 22.5 जोड़ दीजिए तो आ गया 112.5। ये हो गया विक्रय मूल्य। और जो लेफ्ट साइड में है वो भी विक्रय मूल्य है, 15% लाभ पर बेचता है, ठीक है। पहली बात तो वो ये कह रहा है कि 15% लाभ पर बेचता है, ये हो गया विक्रय मूल्य। यदि वह 10% कम में ख़रीदता तो 90 में ख़रीदता और तब उसे 25% का लाभ होता, फिर उसमें 25% का लाभ होता, ये कब होता? जब दोनों का अंतर 4 रुपये कम में बेचता, यानी कि 115 और 112.5 का जो अंतर है वो 2.5 होता। तो ये 2.5 जो इनका देखिए घटाने पर आता है, 115 और 112 का डिफरेंस निकालते हैं तो ये आता है 2.5। अब ये 2.5 यूनिट बराबर होगी 4 रुपये कम के, कम मींस अंतर, तो 4 रुपये, और 100 रुपये हमने क्रय मूल्य शुरू में लिया था, तो 2.5 यूनिट बराबर 4, इसलिए 100 यूनिट बराबर, इसको सॉल्व करेंगे, 4/2 × 100, 160 आ जाएगा। तो हमने कुछ बिल्कुल ही जी है, 15% लाभ 115 हो गया, 10% कम 90, उस पर 25% 112.5, फिर दोनों विक्रय मूल्य का जो अंतर है वो 2.5, और ये 2.5 4 के बराबर है, क्योंकि वो देखिए कह रहा 4 रुपये कम में बेचता, यानी कि जो विक्रय मूल्य है वो 4 रुपये कम, तो हम विक्रय मूल्य का ही डिफरेंस 4 के बराबर करेंगे ना, तो आ जाएगा आपका 160, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन।
देखिए, किसी वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचने से एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है। इससे दुगने मूल्य पर बेचने से उसे कितना लाभ होगा? किसी वस्तु को हमने मान लिया कि उसका क्रय मूल्य है 100, 10% लाभ पर बेचा, SP1 हो गया 110। इससे अगर दुगने मूल्य पर अगर हम बेचने लगे, इसी SP1 से 110 का दूना 220, तो उसे कितना लाभ होने लगेगा? मतलब SP1 और SP2 को घटा देंगे तो लाभ निकल आएगा। ठीक है, बहुत ईजी है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, टीवी और फ्रिज प्रत्येक को 12,000 रुपये में बेचा गया। टीवी को भी 12,000 में बेचा गया और फ्रिज को भी 12,000 में बेचा गया, यानी कि दोनों को कुल मिला के कितने में बेचा गया? 24,000 में। यदि टीवी को 20% हानि पर बेचा गया और फ्रिज को 20% लाभ पर बेचा गया, तो पूरे सौदे का परिणाम क्या हुआ? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम एक क्वेश्चन ले चुके हैं वीडियो, इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो पहली क्लास हुई थी, पहला वीडियो बनाया था उसमें था ये, कि जैसे यदि और टीवी को हमने 20% हानि पर बेचा, फ्रिज को 20% लाभ पर बेचा। हानि का मतलब -20, लाभ का मतलब -20। तो एक हमने ये सूत्र बताया था, x+y+xy/100, मतलब कुल कितना लाभ या हानि हुई। जैसे ऐसे ही कहा जाए कि किसी वस्तु को हमने 20% हानि पर बेचा और किसी को 20% लाभ पर बेचा, तो कुल कितना लाभ या हानि हुई। तो ये साधारण सीधी ट्रिक होती है कि x+y+xy/100। तो ये देखिए, 20% हानि, -20 रख देंगे x की जगह में, 20% लाभ, तो y की जगह में 20%+20 रख देंगे। और ये देखिए, हमने वैल्यू पुट की, इसको जब सॉल्व किया तो -4% आया, यानी कि माइनस का चिन्ह आ रहा है, इसका मतलब 4% की हानि हुई। या इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, एक तरीका और होता है, जब दोनों वैल्यू समान हो, 20-20 है दोनों में, तो x²/100, यानी कि 20 का स्क्वायर बटे 100 करेंगे तो 4% आ गया सीधे। या ये सूत्र लगा लीजिए या ये सूत्र लगा लीजिए, एक्स और वाई की देखिए अलग अलग वैल्यू है, तो x+y+xy/100 वाला फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। अगर दोनों एक्स और वाई सेम है तो ये लगा दीजिए x²/100। और इन दोनों केसों में आप याद रखिएगा, माइनस का साइन आए तो हानि होगी, प्लस का आए तो लाभ होगा। ये हमको पूरे सौदे का पता चल गया कि इतने 4% की हानि होगी। ठीक है, दोनों का विक्रय मूल्य 24,000। अब यहाँ पर देखिए, हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्रय मूल्य निकलेगा विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 माइनस हानि। तो 24,000 गुणे 100 बटे 4% की हानि, 100 में 4 घटा दीजिए, 96 आ गया। 24,000 गुणे 100 बटे 96, अगर लाभ होता तो 4 जोड़ देते 100 में, 104 हो जाता। तो 24,000 गुणे 100 बटे 96, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 25,000। अब देखिए, विक्रय मूल्य 24,000 था, बेचा था 24,000 में, ख़रीदा है 25,000 में। अब क्या होगा? हानि होगी, और हानि कितने की होगी? 1,000 की हानि होगी। ठीक है, मतलब बेचा है 24,000 में और ख़रीदा था हमने कितने में? 25,000 रुपये में। तो यानी 1,000 का नुकसान हुआ। वही ये पूछ रहा है कि पूरे सौदे का परिणाम क्या होगा, पूरे सौदे में क्या होगा, लाभ होगा कि हानि होगी। तो आपको पता चल गया कि लाभ हानि कितनी होगी। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, पूरे सौदे का पूछ रहा है, इसीलिए हमने शुरू में टीवी प्लस फ्रिज दोनों का मिला के विक्रय मूल्य निकाला था। भैया, 20% हानि, 20% लाभ पर बेचा गया, तो कुल कितना लाभ या हानि हुई? तो कुल और टोटल टोटल दोनों में निकाला हमने, क्योंकि वो पूरे सौदे का पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये, जिसमें ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये इसके बाद सेकंड क्वेश्चन ये था, ये थर्ड क्वेश्चन ये वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। 15% लाभ पर बेचा 115, और 10% कम में ख़रीदा तो 90 रुपये में ख़रीदा, फिर 90 पे 25% का लाभ कम आया तो 112.5 हो गया। अगर वो 4 रुपये कम में बेचता, यानी कि प्रारंभिक जो विक्रय मूल्य है और अंतिम विक्रय मूल्य, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो 4 के बराबर है, तो ये क्वेश्चन
बहुत इम्पॉर्टेंट है, इन दोनों का अंतर 2.5 यूनिट का 4 के बराबर कर देंगे। हमने 100 इसको शुरू में ही माना था, कंसीडर किया था, इसीलिए 100 यूनिट पे निकाल रहा है। ठीक है, इसके बाद हम इसमें भी देख सकते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन जो लास्ट वाला है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ इस चैप्टर में आपको दो क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक ये टीवी फ्रिज वाला है और ये वाला है। ठीक है दोस्तों,